हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा हल्के और पतले बालों की कटिंग कैसे करनी है। वैसे तो इनके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे बट बहुत ही पतले थे, कोई कटिंग समझ में नहीं आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा सोचा, फिर मैंने सोचा कि चलो कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो कैसा कटिंग किया सब कुछ फाइनल लुक आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। और किस टाइप से आप इस ऐसे बालों को कैरी करोगे, मतलब बांधोगे तो अच्छा लगेगा या फिर ओपन रखोगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बालों की लेंथ इनकी हिप तक थी बट बहुत ही ज़्यादा पतले थे तो मैंने इनको शोल्डर लेंथ तक कट कर दिया है। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिसमें मैं अपनी ब्लॉग वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप लोग को ब्लॉग में इंटरेस्ट हो तो आप जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग को मेरी ब्लॉग वीडियोज देखने को मिलेंगी। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स डालने वाली हूँ क्योंकि मैं घूमने के लिए राजस्थान आई हुई हूँ। अपने दीदी जीजा और पापा भाई सब लोग इधर ही रहते हैं, तो अभी तो राजस्थान में हूँ। कुछ दिनों में मैं हिसार यानी हरियाणा में चली जाऊँगी, फिर वहाँ का भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर उसके बाद गाँव जाऊँगी, गाँव से राजस्थान तक का सफ़र मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो जल्दी से रेड कलर के बटन को क्लिक करो, ग्रे में कन्वर्ट कर दो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और लाइक भरपूर कीजिएगा, तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप इनके बाल कितने ज़्यादा पतले हैं, बहुत ही ज़्यादा पतले थे। कुछ समझ में नहीं आता कि कटिंग कैसे करें। ये कहीं भी जाती हैं तो इनको सीधा स्ट्रेट कट या फिर लाइट यू कट करके भेज देते हैं, बट मैंने उन्होंने बोला कि कुछ डिफरेंट चाहिए, क्लच से लगा के ओपन रख सकूँ बालों को। और बहुत ज़्यादा मेरे बाल झड़ गए हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम भी आ जाए, इस टाइप का कुछ कटिंग कर दो। फिर मैंने भी थोड़ी देर सोचा, फिर मैंने सोचा ठीक है कट करते हैं। तो अब देख सकते हो कितने ज़्यादा पतले हैं, बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं बाल इनके। तो पहले मैं इनकी लेंथ निकाल दूँगी यहाँ पे, तो बीच की मांग निकाल लेंगे और लेंथ निकाल दूँगी। मैं जैसे जैसे कट करी थी वैसे वैसे सोची थी कैसे कट करें इनका, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छा लुक आ गया था। और इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मुझे मेरे बाल बहुत अच्छे सेट हो गए हैं। मैंने सेट करके तो नहीं छोड़ा था इनको, मतलब सेट करके मैंने लास्ट में वीडियो नहीं लिया था, लेकिन इन्होंने जब घर पे गई इन्होंने ओपन किया तो बोला बहुत अच्छा हेयर कट हुआ था मेरा, थैंक यू मैम। कोई भी मेरा हेयर कट नहीं कर पाता, ऐसे कोई बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चलो। और मतलब नए अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आते रहते हैं अलग अलग टाइप्स के हेयर कट करते रहो तो। तो मैं ये पतले से बाल हैं इनके, तो सबसे पहले मैं इनका लेंथ कट करके निकाल लूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पे कॉम कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से कट करना है, ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे हेयर को पकड़ा है और इतना लेंथ इनका कट करके निकालूंगी। ये देखिए, इस तरीके से कट कर लिया मैंने इनके। देखे आपने कितने ज़्यादा मतलब लेंथ मैंने यहाँ पे निकाल दी है इनके बालों की। उसके बाद से ये बिल्कुल स्ट्रेट कट हो गया था। आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो। अब इसमें आप फिनिशिंग दे दो और छोड़ सकते हो, बट मुझे यहाँ पे स्टेप कट करना था ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से हेयर को उठाया है जहाँ पे हम लोग पफ बनाते हैं वहाँ से, और अच्छे से कॉम करना है इस तरीके से। ये मैं रात के टाइम पे वीडियो ले रही थी इसलिए अगर कुछ लाइटिंग प्रॉब्लम हो तो उसके लिए वेरी सॉरी। तो इस तरीके से मैंने फिंगर में पकड़ा है और इतने हेयर कट कर दूँगी। आप देख सकते हो मैंने सीधा यहाँ पे 90 डिग्री पे ले जाके ऊपर की तरफ इस तरीके से कट करी जहाँ से स्टेप डालने हैं वहाँ से। आप ये ध्यान दीजिएगा कि नीचे का जो जैसे अपने लेंथ कट किया है फिर जो क्राउन एरिया है उसी में सारे स्टेप दे दीजिए। नीचे अगर आप दोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम दिखने लग जाएगा, फिर अच्छी नहीं लगेगी हेयर की कटिंग और एंड क्वालिटी। तो इस तरीके से फिर साइड से मैंने हेयर को उठाया। आप देख सकते हो मैंने जहाँ पे हमारा जो कान का ईयर टू ईयर पार्टिंग होता है बैक साइड का, उसके नीचे मैं नहीं जा रही हूँ, ऊपर ऊपर ही कट करना है। ओके,
बहुत ही प्यारी कटिंग आ गई थी। आप भी इस तरीके से अगर बहुत पतले और हल्के बाल आते हैं आपके पास तो आप इस तरीके से हेयर कट कर सकते हो, या फिर आप अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं, आप समझ में नहीं आ रहा कौन सी कटिंग कराएं, तो आप इस तरीके से कटिंग करा सकते हो पार्लर में जाकर। अगर पार्लर वाले को भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि आप स्टेप कट कर दो, लेकिन इस तरीके से करिएगा, क्राउन एरिया से नीचे ना जाइएगा स्टेप में। नीचे के बालों की लेंथ जो है और वॉल्यूम जैसे दिखनी चाहिए। अगर आप नीचे से ज़्यादा ले लोगे बाल तो क्या होगा कि आपका जो वॉल्यूम है वो कम दिखने लग जाएगा और पतले दिखेंगे, इसलिए मैंने क्राउन एरिया के नीचे के हेयर को नहीं लिया है। और ये लगभग इनका ऑलमोस्ट हेयर कट डन हो चुका है, बहुत ही प्यारा हेयर कट आया था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा पतले हैं, हल्के हैं, कोई स्टाइल नहीं कर पाते हो तो। फिर मैंने बीच से इस तरीके से थोड़ा सा हेयर उठाया था और इसको भी इस तरीके से 90 डिग्री पे कॉम करके लेके जाएंगे। इस तरीके से, और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर देंगे। वाओ, अब इसके बाद से आप इनका फाइनल लुक मैं आपको दिखा दी कि कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरीके से ओपन भी रख सकती हैं, खोल भी सकती हैं, और क्लचर लगा सकती हैं, पोनी बना सकती हैं, और बालों की लेंथ एंड वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी दिखेगी। ऐसे देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ओके, फिर एक बार कॉम कर लेंगे और थोड़ा सा ऊपर से दोबारा हेयर को ले लेंगे ऐसे। इसको फिर से ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे और जो भी आपको एक्स्ट्रा दिखेगा वो कट कर देना है यहाँ पे। ओके, ऐसे मैंने हेयर लिया है जैसे आप देख रहे हो, सीधा कॉम करके ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी और ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है बस इतना ही आपको कट कर देना है और आपका कटिंग ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। और बहुत ही प्यारा लगेगा, आपको नहीं फील होगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं और आप क्लचर लगा के ऐसे बाहर निकल सकते हो और आपका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद से मैंने बीच की मांग निकाली है और अच्छे से कॉम कर लिया है और इसके बाद से थोड़ा सा फिनिशिंग दे देंगे बालों में जो आपको ऊपर का दिख रहा है। ओके, लाइट यू में मैं कर दे रही हूँ, ज़्यादा आपको वी में नहीं करना है वरना आपका वॉल्यूम फिर से बहुत ही कम दिखेगा। ये देखिए, तो ये हमारा पूरा फाइनल कट, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कम था इनका वॉल्यूम। और यहाँ पे आप बस क्लचर लगाओ, ऐसे ही बाहर निकलो, आपके बालों की वॉल्यूम भी अच्छी दिखेगी और ये बाल गीले हैं सूखने के बाद और ज़्यादा अच्छा दिखेगा और बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा। मैं बार बार इस तरीके से इसलिए कर रही हूँ ताकि कहीं से भी छोटे बड़े ना रहें, कहीं छूट ना जाए, इसलिए बार बार ये चेक करते रहते हैं। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है क्लचर लगाने पर। कि आपको हेयर कट कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा ज़रूर। ये देखिए, इस तरीके से आप क्लचर लगाएंगे तो बहुत प्यारा लगेगा इस टाइप के हेयर्स में। पतले बालों में अक्सर कोई भी कटिंग समझ में ही नहीं आती है, बट आप ये कटिंग करा सकते हो, एडवांस लेयर करा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, यहाँ से इस तरीके से पकड़ के आप क्लचर लगा सकते हो। मैं कितना भी कर रही थी इनका बीच से मतलब बाल फट जा रहा था और बहुत ही वॉल्यूम कम था ना इसलिए, लेकिन बाद में इनको बहुत पसंद आया और बहुत अच्छे से सेट हो चुका था इनका बाल। फिर मैंने इनको थोड़ा सा ड्रायर भी लगाया था, इस तरीके से बालों को पकड़ा, ऊपर की तरफ कॉम किया था पूरा बाल, जैसे आप पोनी बनाते हो उस तरीके से बालों को पूरा पकड़ लो। इस तरीके देखिए, पोनी भी बनाने पे काफ़ी पतला नहीं लगेगा और अच्छा वॉल्यूम दिखेगा बालों में। उसके बाद ऐसे मोड़ के यहाँ पे आप क्लचर लगा के छोड़ सकते हो और ड्रायर मार दो तो आपके बाल अच्छे सेट हो जाएंगे। कहीं भी आप जा रहे हो, आपके बालों का वॉल्यूम बहुत कम है, आपने स्टेप कटिंग करा रखी है, तो ऐसे मोड़ के ड्रायर लगा दो और फिर उसके बाद ओपन करोगे तो आपके बालों का वॉल्यूम और लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। ओके, मैंने ऐसे ही लगा के ड्रायर इसको क्लच करके छोड़ दिया था, फिर 10 मिनट के बाद ओपन किया था, काफ़ी अच्छा लुक आ गया था।
तो यहाँ पे मैं ड्रायर लगा रही हूँ इनको। वाह, बहुत अच्छा आ गया था। फिर थोड़ा सा गीला था बाल, फिर वैसे ही क्लच लगा के छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद नेक खोलेंगे तो इनके बालों का लुक अच्छा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लच लगा दिया और ऐसे ही छोड़ देंगे अब बालों को थोड़ा सा ड्राई मार के। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और आप इस तरीके से तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इनका हेयर कट अच्छा लगा हो, आप लोग को भी समझ में ना आता हो कई बार कि इस टाइप की हेयर कट की हेयर आ जाए, बहुत ज़्यादा पतले और हल्के हैं, लंबे हैं, कस्टमर को कुछ न्यू लुक चाहिए, कुछ चेंजिंग चाहिए, लुक चेंज करना हो, तो आप इस तरीके से हेयर कट कर सकते हैं। इसमें इनका लुक भी चेंज हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है, कस्टमर को भी काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है एंड वो अब अपने बालों को दोबारा से नई तरीके से रख सकता है, ओपन रख के क्लच कर सकता है, क्योंकि पतले बालों में अक्सर लोग चोटियाँ बना लेते हैं या फिर जूड़ा बना लेते हैं, इसके अलावा तो कुछ बन नहीं पाता है। तो आप इस तरीके की कटिंग करके उनको थोड़ा सा न्यू लुक दे सकते हो, थोड़ा सा वो लोग भी अच्छे से रह सकते हैं, बालों को मैनेज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कटिंग कीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पतले बाल आते हैं तो आप कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि वो बालों को छोटा करा ले, क्योंकि अगर आप लंबे बालों में कट करोगे तो फिर वो कटिंग समझ में नहीं आएगी। तो छोटा करने पे क्या होता है, हमारे जो बाल नए बाल उगे होते हैं वो कम से कम यहाँ तक लेंथ उनकी वॉल्यूम थोड़ी सी अच्छी होती है। तो नीचे के बालों को निकाल दीजिए और आप इस बालों में स्टेप दे दीजिए जैसे कि मैंने किया था, और थोड़ा सा इस पर ड्रायर वगैरह लगा दीजिए। जब भी आप बाहर निकलते हो तो जैसे मैंने दिखाया इस वीडियो में, आप उसको रोल करके ड्रायर मार के 10 मिनट छोड़ो, उसके बाद ओपन करोगे, बालों की वॉल्यूम काफ़ी अच्छी दिखेगी और आप लोग का लुक भी बहुत अच्छा दिखने लग जाएगा। तो वीडियो आई होप पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। और आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, आप लोगों ने अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा साथ दिया है, उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करोगे। और भी मैं बहुत सारी हेयर कटिंग और हेयर स्टाइल की वीडियोज़ के साथ मिलूंगी, और मेकअप की भी वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है बट इतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो मैं आपको हेयर कट और वैक्सिंग और हेयर स्टाइल की वीडियोज़ में ही मेकअप वगैरह भी सिखाते जा रही हूँ। अभी आप लोगों ने लाइट मेकअप की डिमांड की थी, जो कि मैंने बताया हुआ है हेयर कट की वीडियो के अंदर ही बताया था, तो आप वीडियो रेगुलर देखा कीजिए। आपका जो भी रिक्वेस्ट होता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको मतलब कर पाऊँ, पूरा अच्छे से बता पाऊँ, अपना दिल जी जान लगा के मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग को पसंद आए कोशिश करती हूँ। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ब्लॉग चैनल पे जरूर जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी है प्रीत तिवारी 24, तो वहाँ पे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपनी रील्स वीडियो एंड पिक्चर्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।